नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। रीवा जिले के गोविंदगढ़ पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के बाद थाना क्षेत्र के छुईया घाटी में बीती देर रात घेराबंदी कर सीधी जिले से रीवा की ओर लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने दो शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं वाहन की ली गई तलाशी के दौरान 20 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। कार्रवाई के संबंध में गोविंदगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सीधी जिले से शराब की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। एसपी के निर्देश पर बीती देर रात छुईया घाटी में घेराबंदी कर सीधी जिले से बुलेरो में लोड कर रीवा की ओर लाई जा रही शराब की खेप को पकड़ा गया है। मामले में पुलिस ने दो शराब तस्कर कैलाश गुप्ता निवासी बिछिया, अनुराग त्रिपाठी निवासी ग्राम बैसा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुलेरो वाहन में लोड की गई 20 पेटी शराब को जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 80,000 रुपये बताई जा रही है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि तस्करों द्वारा शराब की खेप शहर के बिछिया और बैसा गांव में उतारी जानी थी, जहां से छोटे शराब पैकारों को डिलीवरी की जाती है। उसके पहले मुखबिर से मिली सूचना के बाद शराब सहित तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए शराब तस्करों में कैलाश गुप्ता बड़ा शराब तस्कर है। इसके पूर्व भी इसके खिलाफ कई मामले शहरी क्षेत्र के थाने में दर्ज हैं। पुलिस ने फिलहाल पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर रही है। ये कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग अवैध शराब बुलोरो में सीधी तरफ से रीवा में अवैध बिक्री हेतु ला रहे हैं। सूचना पर छुईया घाटी में नाकेबंदी कराई गई थानागढ़ गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा, जिसमें से ये MP 17 TA 2460 नंबर की बुलोरो गाड़ी है जो आपको सामने दिख रही है, इसकी तलाशी ली गई। इसमें 20 पेटी अवैध शराब देसी 80,000 की बरामद हुई है। इसमें चालक अनुराग त्रिपाठी बेटा और कैलाश गुप्ता बिछिया, जो जिसके खिलाफ पहले से पूर्व से भी तकरीबन 10 मामले कैलाश गुप्ता के हैं, ये रीवा शहर में और आसपास के क्षेत्र में पैकारी करने के लिए अवैध शराब बिक्री हेतु ला रहा था, जो मौके पकड़ा गया है। 34-2 की कार्रवाई की जा रही है। जी हाँ,